हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एजी नेचुरल ब्यूटी। तो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अच्छे से अपनी स्किन का, बालों का, हेल्थ का ख्याल भी रख रहे होंगे। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो जो लेकर आई हूँ ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। मैंने यहाँ पर गाइस लिए हैं 2 संतरे ऑरेंज। तो ऑरेंज में गाइस होता है विटामिन ABC, और जो कि हमारे सी हमारे स्किन के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इस संतरों से हम आज क्या बनाने वाले हैं वो इस वीडियो में आप लोगों को बताते हैं। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो गाइस, ये ऑरेंज जो है ये हम अगर खाएंगे तब भी हमारे बालों के और स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, और इसको अगर हम स्किन पर लगाएंगे तब भी बहुत ज़्यादा हमारी स्किन के लिए हेल्प करने वाले हैं। तो गाइस, आज मैं जो रेमेडी बताने वाली बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है। तो इन संतरों के पील को गाइस आपको कद्दूकस कर लेना है, अच्छे से पील निकाल लेना है सारा। ये वाइट वाला जो पार्ट है इसको नहीं निकालना है आपको, जो ऑरेंज ऑरेंज पार्ट है उसको ही निकाल के बाहर कर लेना है। अगर आप लोग चाहें तो इस छिलकों को छील के, आपको संतरे का यूज़ नहीं करना, छिलकों का यूज़ करना है। तो छिलके आपसे फेंकेगा मत, इसका यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने इनके पील को निकाल के ले लिया है। आप चाहें तो मिक्सर ग्राइंडर में मिक्स करके भी ले सकते हैं। उसके बाद गाइस, आपको यहाँ पर लेना है एक सोप। तो यहाँ पर आप जो बेस सोप होता है, जो सोप बनाने वाला वाइट कलर का आता है, ग्लिसरीन वाला, वो भी ले सकते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप लोग यहाँ पर पियर्स या डव जो भी आपके पास हो, या फिर आप बेबी सोप भी ले सकते हैं। तो किसी ऐसे सोप का इस्तेमाल कीजिएगा यहाँ पर जिसमें ज़्यादा केमिकल ना हो। तो मैंने यहाँ पर पियर्स का सोप लिया है। इसको अच्छे से ग्रेट कर लेना है आपको। ग्रेट करके ये जब महीन हो जाएगा तो आपको मेल्ट करने में आसानी होगी, या फिर आप छोटे छोटे पीसेस में इसको कट करके भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको ग्रेट करके ले लिया है। तो गाइस, मेरी दोनों चीज़ें ये रेडी हो गई हैं, ऑरेंज पील और ये ग्रेट किया हुआ सोप। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि इस सोप को आपको डबल बॉयलर की हेल्प से किसी भगोने में आप पानी रख दीजिए। उस पानी के अंदर आपको किसी बर्तन में इस सोप को डालना है और अच्छे से इसको मेल्ट करना है, चलाते रहिएगा ताकि ये नीचे से लगे ना। तो आप लोग देख सकते हैं गाइस, ये सोप हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है, बहुत ही अच्छे से ये मेल्ट हो गया है। अब आपको करना क्या है गाइस, जो आपके पास ग्रेट किए हुए पील रखे थे, ऑरेंज पील, ऑरेंज के छिलके, तो उस ऑरेंज के छिलकों को आपको इस सोप के अंदर डाल देना है। डालने के बाद गाइस, आपको इसको अच्छे से चलाना है। अगर आप चलाएंगे नहीं तो ये सोप है जमने लगेगा। बहुत अच्छे से आपको इसमें जमाना है। उसके बाद गाइस, आपको इसमें डालना क्या है, आप अगर आपकी स्किन पर मॉइस्चराइजर के लिए आपको इसमें डालना है कोकोनट ऑयल, जो कि हमारी स्किन को वाइट भी करता है, हमारी स्किन से बहुत सारी परेशानियों को भी दूर करता है, हमको एक अच्छा स्किन मॉइस्चराइजर भी मिलेगा। तो यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच के करीब आपको कोकोनट ऑयल ऐड कर लेना है इसी में, और आपको उसको फिर से अच्छे से चला लेना है। उसके बाद गाइस, आपको सेकेंड यहाँ पर डालना है एलोवेरा जेल। तो एलोवेरा क्या करता है, हमारी स्किन को गर्मियों में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, हमारी स्किन को ठंडक देता है, हमारी स्किन से झुर्रियाँ, फाइन लाइंस को दूर करता है। और थर्ड गाइस, आपको यहाँ पर लेना है विटामिन ई के कैप्सूल। तो आपकी अगर ड्राई स्किन है तो यहाँ पर आपको 2 कैप्सूल लेना है, और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आप यहाँ पर 3 कैप्सूल भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 कैप्सूल ले लिया है। अब आपको बहुत अच्छे से इसको कर लेना है गाइस मिक्स, क्योंकि चलाते रहना, अगर आप चलाएंगे नहीं तो ये सोप है जमने लगेगा। उसके बाद गाइस, आप लोगों के आपको इसको जमा लेना है। तो हम रेडी करने वाले हैं गाइस, अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या रेडी करने वाले हैं। जी हाँ गाइस, हम एक अच्छा सा सोप रेडी करने वाले हैं जो कि ऑरेंज का सोप होगा। आप लोग मार्केट से लेने जाएंगे तो शायद आपको ना मिले, तो आप लोग अपने घर पर ही तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास कोई कटोरी हो या डिस्पोजल ग्लास हो, आप लोग चाहें तो सोप वाला जो इस होता है स्टैंड, उसको भी ले सकते हैं, उसमें भी जमा सकते हैं जो सिलिकॉन का आता है। अगर नहीं हो, पैसे नहीं खर्च करना चाह रहे हैं गाइस, कोई ज़रूरत नहीं आपको पैसे खर्च करने की, आपके पास डिस्पोजल पड़े होंगे। मेरे पास तो ये देखिए कागज़ वाला है ग्लास, उसमें भी मैं जमा रही हूँ। तो इसमें आपको अच्छे से कोकोनट ऑयल लगा देना है, और उसके बाद जो पेस्ट आपके पास है इसको इसमें डाल देना है। डालने के बाद आपको इसको 1 घंटे के करीब ऐसे ही छोड़ देना है। अगर आपको जल्दी जमाना चाहिए तो आपको फ्रीजर में इसको रख देना है, बहुत अच्छे से ये जम जाएगा। उसके बाद गाइस देखिए, इस तरीके से ये कागज़ का है, बेस्ट भी अगर हो जाएगा तो भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आपको अच्छे से इसको कागज़ को निकाल देना, आपका एक बढ़िया मार्केट जैसा सोप रेडी हो जाएगा। आपको लगाने में भी हेल्प मिलेगी इसको अच्छे से, ये नहीं कि आपके सोप उसमें नहीं, आकार में नहीं आया है। तो आप लोग के सामने है ये देखिए। तो ऑरेंज का गाइस ये जो सोप है, ये आपकी स्किन पे बहुत सारी परेशानियों को दूर करने, अगर डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है उसको दूर करेंगे, फाइन लाइंस हो गई हैं उसको दूर करेंगे, दाग धब्बे आपके फेस पर हो गए उनको दूर करेंगे।
तो गाइस हमारी स्किन अनइवन स्किन टोन है तो उसको भी इवन करेंगे। और आप लोग जानते हैं कि विटामिन सी हमारे फेस को, हमारे चेहरे को गोरा बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, हमारी स्किन को फेयर स्किन देता है और तमाम सारी परेशानियों को दूर करता है। गाइस अब देखते हैं ये वाकई में हमें रिजल्ट दे रहा है या नहीं, देखिए झाकूक बन रहा है इसमें या नहीं। तो आपके सामने ये देखिए गाइस, मैं इसको यूज़ करके दिखा रही हूँ। इसको फेस पे गाइस यूज़ कीजिएगा, आपको 1 वीक में ही अपने फेस पे इतना ज़्यादा ग्लो देखने के लिए मिलेगा और आपकी स्किन फेयर भी दिखेगी आपको। और गाइस आपके मार्केट आप लोग फेस अगर ये सोप लगाते भी हैं पियर्स, तो अब से आप पियर्स को नॉर्मल जो आता है वैसे मत लगाइए, आप लोग उसमें ऑरेंज ऐड करके ऑरेंज का सोप बना के लगाइए तो आपकी स्किन भी अच्छी होगी, हेल्दी होगी, ग्लोइंग होगी, गोरी स्किन होगी आपकी, चमकदार स्किन होगी। तो अगर आप लोग वैसी स्किन चाहते हैं तो इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं गाइस यहाँ पर अच्छे से इसने झाग भी दिया है, जैसे नॉर्मल आपको लगेगा, नॉर्मल आप जैसे सोप यूज़ करते हैं उसी तरीके से आपको लगेगा। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं गाइस यहाँ पर कितना अच्छा ग्लो देखने के लिए मिला है। आप लोग इसको 1 वीक यूज़ कीजिएगा, उसके बाद आप लोग इसके फाइनल रिजल्ट पर पहुँच पाएंगे। तो गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।